दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों ने अपनी परेशानियों का हल न निकलता देख अब पत्रकार साथियों को अपने व्यापार पर मंडरा रहे संकट के बारे में बताया है, क्योंकि अब तक इनके द्वारा की गई कोशिशें पूर्णतः विफल दिखाई दे रही है। सुपेला दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा है और कहा है कि सुपेला फाटक पर बन रहे अंडरब्रिज निर्माण कार्य में निर्माणाधीन स्थल के सभी व्यवसायी गण एवं उपभोक्ता गण की अनदेखी कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माणाधीन स्थल पर पर्याप्त भूमि लगभग 128 फीट उपलब्ध है तथा उपलब्ध भूमि के सेंटर से दोनों तरफ एक समान भूमि लेकर निर्माण कार्य करते हुए अंडरब्रिज को छोटा बनाया जाए, ऐसा व्यवसायियों की मांग है, जिससे व्यवसायियों को एवं आम जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े और आवागमन भी सुचारू व सहज रूप से चलता रहे। दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों में काफी आक्रोश इस वक्त देखा जा रहा है और उनका कहना साफ है कि यदि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आगे उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं रेलवे प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता हमने आयोजित की, हमारा मुद्दा ये है कि जो रेलवे सुपेला रेलवे फाटक के पास में जो अंडरब्रिज बनाया जा रहा है वो अंडरब्रिज पूरा का पूरा दक्षिण गंगोत्री मार्केट की तरफ दबाया जा रहा है, जबकि दक्षिण गंगोत्री मार्केट की कॉर्नर शटर से लेकर आकाशगंगा की दुकानों की शटर तक का जो एरिया है वो 128 फीट है। 128 फीट होने के बाद जो ये 19 मीटर चौड़ा और 118 मीटर लंबा जो 180 मीटर लंबा जो ये अंडरब्रिज का ये डिस्टेंस जो लिया जा रहा है ये पूरा का पूरा हमारे दक्षिण गंगोत्री मार्केट की तरफ दबाया जा रहा है, जिससे कि हमारी मार्केट के अंदर में ना तो किसी ग्राहक का आने का साधन पर्याप्त है और ना ही बड़ी गाड़ियां आ सकती है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारी मार्केट का पूरा वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये जो अंडरब्रिज बन रहा है ये दोनों तरफ के एरिया को बराबर नाप के एकदम बीचों बीच बनाया जाए और छोटा बनाया जाए। कलेक्टर साहब से हमने 15 दिन पहले एक आवेदन दिया था, 15 दिन आवेदन देने के समय ही कलेक्टर साहब ने हमसे 2 दिन का समय मांगा था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर में इस आवेदन के ऊपर पूरा गौर करेंगे और स्पॉट पे आने की कोशिश करेंगे, बट SDM को उन्होंने कॉल भी किया था, SDM को उस आवेदन की प्रति जो है उन्होंने व्हाट्सएप भी की थी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे प्रशासन का कहना यह है कि आप कलेक्टर महोदय से मिलिए। रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी यहां आए थे, जो स्पॉट पे हम आपको पूरी नाप जोक के हमको बताया कि इतना इतना ऐसे ऐसे बनेगा। हमने उनसे दस्तावेज ही मांगा लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम दस्तावेज नहीं देंगे, आपको जो भी बातें करनी है आप कलेक्टर से करिए। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, आंदोलन बैठेंगे और पूरी जितनी दुकानें आपकी अंडरब्रिज के डिस्टेंस में आ रही है सारी दुकानों का ताला मारेंगे, चाबी ले जाके कलेक्टर महोदय के टेबल पर रखेंगे और बोलेंगे हमको अपनी दुकानों का मुआवजा प्रदान किया जाए और आप जितना तोड़ सकते हैं आप तोड़िए, पूरा लंबा चौड़ा बनाइए, अब आप ही का एरिया है, पूरा पूरा हाईवे बना लीजिए, आप हाईवे बनाइए, हमको कोई फर्क नहीं, हमको मुआवजा दिया जाए, पूरी दुकानों को तोड़ दिया जाए। दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायी माननीय जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें निर्माण स्थल पर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यथास्थिति से पुनः एक बार अवगत कराया जा सके और इनकी परेशानियों का हल निकाला जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।